तो दोस्तों ये जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, नंबर वन की सबसे पहले बात करते हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पे, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट और दूसरा कीप ऑल माय सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट। तो नीचे का जो ये प्राइवेट वाला ऑप्शन है वो तो प्राइवेट है मेरा, ऊपर का प्राइवेट नहीं है। तो होगा ये कि अगर जितने भी लोगों को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अगर कोई भी मेरे चैनल पे विजिट करता है, आके चेक करता है अबाउट सेक्शन, वीडियो वगैरह सारा कुछ चेक करता है, प्लेलिस्ट वगैरह देखता है, तो प्लेलिस्ट वाला तो मैंने प्राइवेट करके रखा है, तो वहाँ पर उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन चैनल वाले ऑप्शन पर जब वो क्लिक करेगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा भाई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे विजिट करें तो उनको ये सारा कुछ ना दिखाई दे, तो वहाँ पे मुझे सिंपली उसको इनेबल कर लेना है, ऑन कर लेना है सिंपली उस पर क्लिक करके। तो किस तरीके से करना है, सिंपली उस पर टच करना है, वो हो जाएगा। इससे होगा ये कि जितने भी लोग आपके चैनल पर विजिट करेंगे वो सारा कुछ चेक करेंगे वहाँ पर, तो आपने कितने लोगों को सब्सक्राइब करके रखा है चैनल को, वो कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और अगर आप इसको नहीं करते हो तो सारा कुछ वो देख लें कि आप कितने लोगों से कनेक्ट हो, मतलब कितने लोगों के चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप अपना ख्याल रखें, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।